हेलो प्रिंस, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 रिलीज की है, जिसमें माइग्रेशन से रिलेटेड काफी डेटा है। वी विल सी बाय न्यूज व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, देन वी विल सी सम थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड बैंक। किन पांच ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये बना होता है, ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। आफ्टर दैट वी विल सी सम अदर रिपोर्ट्स विच आर रिलीज बाय दिस, देन वी विल कम टू अवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो वाई न्यूज, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2023, विच इज माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। रिपोर्ट हैज एस्टिमेटेड दैट अ 120% इनकम गेन फॉर इंडियंस हु माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज फॉर वर्क, वेदर इफ यू विल कंपेयर टू द इंटरनल माइग्रेशन ऑफ इंडिया, देन देर इज ऑनली 40% राइज, एंड आउटवर्ड इट्स 120%। व अदर हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, सो देर is increase in the remittances, they have increased to some of the countries with a large migrant population, which includes India, Mexico, China, Philippines and all, and India ne highest ever foreign inward remittances received kiye hain, which was $89.127 million in this financial year 2021-22, and 2021 mein jo total global remittances the, that was estimated around $781 billion, and they have filled further, risen up by $794 billion in 2022, and there have been an increase in the income. अगर देखा जाए जो underskilled Indian citizens हैं, जो US और UAE तरफ जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो US में nearly 500% उनकी income increase हुई है, जबकि वहीं United Emirates में it's around 300% increase, and those people who are migrating to the Gulf Cooperation Council regions, other than these, so they have gained less. Overview of global migration refugee, अगर हम देखें, so there are currently 184 million migrants globally, which is approximately 2.3% of the population, including the 37 million refugees. चार टाइप का migrations होते हैं, वैसे तो दो होते हैं, एक outward, एक internal migration होता है, but still there are economic migrations with strong skill match. ये brain drain का सबसे बड़ा कारण है, जैसे इंडिया के IT professionals हो गए, construction workers हो गए, ये सब Gulf Council regions में या US के region में चले जाते हैं, तो ये economic migrants है जिनका strong skill match था, जो इंडिया के लिए work कर सकते थे. Then refugees with skill in demand आते हैं at destination, for example, जो Syrian entrepreneurs हैं उनका Turkey में यही है. Then distressed migrants होते हैं, जो poorly skilled migrants होते हैं, and they are at the borders of the US southern border. So this is an example. Then there are refugees. Refugees are, for example, Rohingya in Bangladesh. So this is it. Now, in the Gulf countries, and these are the low middle income countries, these are the high income countries like the US and all. So economic migrants are 30%. Here the economic migrants are 70%. Refugees are around 5%. And in the low and middle income countries, mein refugees are around 15%. And economic migrants in these countries are around 28%. अगर टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर्स की बात करें, सो इंडिया यूएस, इंडिया जीसीसी द गल्फ काउंसिल एंड बांग्लादेश इंडिया, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एट द टॉप अमंग द माइग्रेशन कॉरिडोर्स ग्लोबली, अलॉन्ग विद द मेक्सिको यूएस माइग्रेशन, जो चाइना यूएस माइग्रेशन है, फिलिपींस यूएस है, कजाकिस्तान रशिया, ये सारे ही हैं, और इन्हीं टॉप में से इंडिया यूएस का भी आता है. यू कैन सी राइज इन इनकम फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स, सो यूएस में 500% राइज हुआ है, इंडिया यूएई में अप्रॉक्सीमेटली 300% है, यहाँ 120% अप्रॉक्स है. सो दिस इज द डेटा. देन वील सी अबाउट द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है फाइनेंस एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस, ये प्रोवाइड कराना, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है इससे रिलेटेड, इन ऑर्डर टू ब्लॉस्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये लोन्स एंड ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को पुअरर कंट्रीज की, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका एंड ऑल, फॉर अ पर्पस ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स. इसमें दो इंस्टीट्यूशन होते हैं वर्ल्ड बैंक में, फर्स्ट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसके साथ तीन और मिलकर फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं. तो टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दिस बेसिकली ये गवर्नमेंट को लैंड करता है जो मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वो दी लो इनकम कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये पैसे लैंड करने का काम करता है. देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है,
ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कराती थी है, जिसको क्रेडिट्स कहा जाता है, एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज। रिसेंटली श्रीलंका को भी ऐसी एक ग्रांट, बट वो आईएमएफ से मिला है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। एंड टुगेदर दिस आईबीआरडी एंड आईडीए दे मेक अप द वर्ल्ड बैंक। नाउ देर इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका फोकस एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर पर होता है। रिमेंबर दिस, इट हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। इट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, इट मोबिलाइजेस कैपिटल इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को। बाकी तो एक मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इट वॉज क्रिएटेड इन 1988, और इसका जो काम है दैट इज टू प्रमोट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टू डेवलपिंग कंट्रीज। और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी। एंड दिस मीगा विच इज द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इट फुलफिल, ये जो मैंडेट है इसको ऐसे फुलफिल करता है, बाय ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स एज वेल। देन देर इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका जो काम है दैट इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल फैसिलिटीज फॉर कंसाइलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नाउ व्हाट आर द अदर रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक? सो देर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नाउ लेट डिस्कस आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फर्स्ट सेज, Why was the World Bank established? To promote the international trade, to reconstruct the economies damaged during the Second World War, to improve the adverse balance of payment situation of the non-member countries, none of the above. You can type the correct answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Question second says, which of the following statement is correct? Every member country of the IMF automatically becomes the member of the World Bank. The World Bank has 45 founder members. India is not the founding member of the World Bank. IMF is the part of World Bank Group. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS.